स्वागत है आपका एचएलए सेंटर हर्बल लाइफ आयुर्वेदा में। आज एक नया टॉपिक लेके मैं आपके पास आया हूँ। आज हम बात करेंगे वैस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। तो आज तीन टॉपिक होंगे इसके ऊपर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि वैस्कुलर नेक्रोसिस होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण और इसका क्या उपचार हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैस्कुलर नेक्रोसिस होता क्या। तो वैस्कुलर नेक्रोसिस बेसिकली एक सभी जानते हैं हड्डियों की एक बीमारी है, जिसमें सही मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में हड्डी को ब्लड ना पहुंचने की वजह से जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो ब्लड सेल्स की डेथ के बाद तो उसमें ब्लड सप्लाई ठीक से हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो हड्डी का जो गलना होता है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम नेक्रोसिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं इस कंडीशन को। इसमें क्या हड्डी का गलना स्टार्ट होता है, जिससे कि पेशेंट को चलने में, मूवमेंट करने में, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे करने में तो उसमें पेन होता है। तो बहुत से ऐसे केस हैं जिनमें लोग बोलते हैं कि मुझे 10 साल से एवियन है लेकिन मेरे मूवमेंट सारे होते हैं, और मुझे अभी 2 महीने से एवियन की स्टार्टिंग हुई है और मेरे सारे मूवमेंट लॉक हो गए हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो आपको पता चली है कि एवियन क्या होता है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और एवियन को कैसे हम अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि होता है ऐसा कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको कब एवियन हो गया, क्योंकि अर्ली स्टेज में फर्स्ट और सेकंड में इसका जो 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 भी सिम्टम होते हैं लोगों को, बस पेन होता है ग्रोइंग एरिया में या ग्लूटस मैक्सिमस जो मसल्स होती है हमारी, इस एरिया में कभी कभी पेन आ जाता है, तो वो अवॉइड करते हैं, वो उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी बन जाती है। और जैसा कि अभी कोरोना काल में स्टेरॉइड का यूज़ काफ़ी हुआ है, तो उसकी वजह से एवियन के पेशेंट बहुत सामने आ रहे हैं, बहुत सारे केस एवियन के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने न्यूज़ वगैरह में देखा कि एवियन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो स्टेरॉइड तो यूज़ ही करना पड़ा, क्योंकि कोरोना के काल पर ऐसा था कि उसको बिना उसके तो कुछ हो भी नहीं सकता था, लेकिन केस भी ऐसे उसकी वजह से बहुत बढ़ गए हमारे इंडिया में। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, और चलिए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जानते हैं कि एवियन के स्टेजेस को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट स्टेज में ही पेशेंट को नहीं पता चलता है कि उसको एवियन हुआ है या एवियन की प्रॉब्लम है, वो अवॉइड करता है कि नॉर्मल पेन जो होता है बस उसको वही होता है, तो वो अवॉइड करता है, और ना ही एक्सरे में उसको डायग्नोस होता है कि उसको एवियन है या कोई और बीमारी है, तो एक्सरे में नहीं आता। अगर लेकिन आप अगर एमआरआई के लिए कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, अगर आप एमआरआई करवा लेते हैं तो उसमें ईजिली आपको शो कर सकता है कि आपको स्टेज फर्स्ट या सेकेंड पे एवियन है, और सेम ऐसे ही सेकेंड स्टेज में ही होता है, आपको एक्सरे में नहीं पता चलेगा, ना ही बॉल डिजनरेट होना स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेज में आपकी बॉल डिजनरेट होना स्टार्ट होती है, जो कि आपको एक्सरे में इजीली देख सकते हैं। तो लोगों का यही एक वीक पॉइंट होता है कि वो स्टार्टिंग में इसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, और जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, थर्ड स्टेज के ऊपर चली जाती है, तब लोग इसको सीरियसली लेते हैं। तो ऐसा होता है ज़्यादातर केसों में, और फोर्थ स्टेज तक आते आते उनकी हड्डी कोलैप्स हो जाती है और गलना स्टार्ट हो जाती है, इसमें काफ़ी दिक्कत होता है फिर इसको क्योर करने में। अगर इसका इसको आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा सीरियस होके या उसको डायग्नोस कर लिया, अगर आपने इसका सही इलाज लिया जाए, तो इसको काफ़ी हद तक मेडिसिन के जरिए से इसको ठीक किया जा सकता है, या फिजिकल जो थेरेपी वगैरह होती है उनसे क्योर किया जा सकता है। तो इनके पहली बात तो एवियन का कोई प्रमुख कारण नहीं है कि ये होता किस वजह से, कुछ निम्न कारण हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, स्टेरॉइड यूज होता है उस कंडीशन में एवियन पेशेंट को, हिप जॉइंट में दिक्कत होती है, एवियन कहीं भी हो सकता है, हिप जॉइंट में भी हो सकता है, आपके नी में भी हो सकता है, आपके शोल्डर में भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली माना जाता है वो हिप जॉइंट का ही माना जाता है। तो हिप जॉइंट का ही ज़्यादातर 90% जो एवियन होता है वो हिप जॉइंट का ही होता है। तो फर्स्ट हो गया स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से होता है। स्टेरॉइड तो आप जैसे किसी को स्किन डिजीज़ हो गई है या फिर कोई अदर डिजीज़ में भी स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से हिप जॉइंट की दिक्कत हो जाती है। और दूसरा होता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल या शराब या टोबैको का यूज़ करने से इसके ज़रिए से भी पेशेंट एवियन के दिखाई देते हैं,
या फिर आपको कभी फ्यूचर में, पास्ट में कभी चोट लगी हो तो फ्यूचर में आपको एलियन की दिक्कत होने के काफी चांस होते हैं, क्योंकि इसका जो बीमारी है ये इसका बाद में ही पता चलता है, इमीडिएटली आपको नहीं पता चलेगा, बाद में ही उभर के बाहर आती है। तो इसके बस ये निम्न प्रमुख कारण है। अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है और हम इसका कैसे उपचार कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि अब इसका इलाज क्या है। एवियन का इलाज, अगर सबसे पहले आपको कहीं भी पेन होता है या आपके ग्रोइंग एरिया में या जॉइंट में पेन होता है, तो आप सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं या उसकी सलाह से आप एक्सरे करवाएं। एक्सरे में अगर आपको डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो अगर फिर भी आपको पेन हो रहा है, तो आप वो एमआरआई के लिए जाएं और इसको अवॉइड मत करें। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके एवियन हो चुका है, आपकी स्टेज थर्ड फोर्थ के ऊपर है, फिफ्थ स्टेज है, और आपने बहुत ज्यादा मेडिसिन ट्राई कर ली कहीं से भी इधर से उधर से और आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। तो वो टेस्ट बहुत ही कॉमनली होते हैं जो भी, वो आपको करवाने होंगे। और ये बहुत मेन टेस्ट है, जैसे सीआरपी हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो बहुत से डॉक्टर क्या होता है, सिर्फ एक्सरे देखते हैं और उसके बेस पे ही कुछ कैल्शियम की दवाई या पेन किलर वगैरह दे देते हैं। तो ऐसे तो एवियन ठीक नहीं होगा, क्योंकि पेन किलर से और कैल्शियम से ही एवियन को नहीं ठीक किया जा सकता। तो एवियन को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जड़ तक जाना होगा, हमें जानना होगा कि एवियन किस वजह से हो रहा है और उसका रीजन क्या है, जो हमारे ब्लड में किस चीज की कमी हो रही है, फॉस्फोरेट है या कैल्शियम है या फिर सी प्रोटीन है, या किस प्रोटीन की कमी हो रही है या किस कैल्शियम की कमी हो रही है, उसको जानने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो कमी है वो डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर उसके हिसाब से फिर आपका इलाज करेंगे। आप जो बहुत से कुछ ऐसे होते हैं वैद्य वगैरह जो आपको बोलते हैं कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं आपको दवाई देता हूँ, तो उनके चक्कर में मत पड़े, क्योंकि आपको ज्यादातर पेन किलर ही सब देंगे, उसका उसकी जड़ तक कोई नहीं जाएगा। अगर आपको उसकी उसको जड़ से ठीक करना है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इसको पहले हमें ये पता करना चाहिए कि इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है और इसकी किस वजह से एवियन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। अगर आप एवियन की दवाई चाहते हैं, तो हमारे सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमें रिपोर्ट भेज सकते हैं, जो भी आपने रिपोर्ट करवाई है, तो आपको आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन तैयार की जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि इसको कब तक खाना है, कब तक नहीं खाना है, कब तक ठीक होगा। तो बेसिकली आपको मेडिसिन तो आपको 6 मंथ कम से कम खानी होगी, क्योंकि अगर किसी की नेक्रोसिस है, किसी की बॉन कोलैप्स हो रही है, तो उसको कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं बॉन को बनने में, शेप लेने में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं 7 दिन में ठीक हो कर देते हैं, दावा करते हैं 10 दिन में ठीक कर देंगे, 1 महीने में ठीक कर देंगे, तो ये सब फर्जी बातें हैं। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो सकता है, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। जो भी बॉल बनने का प्रोसेस है, वो 3 महीने कम से कम लगते हैं। 3 महीने से 3 महीने से पहले फीमर हेड की जो बॉल है हमारी, वो बनना तैयार ही नहीं हो सकती, तो उसके लिए कम से कम इतना समय आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप थेरेपी लेने आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो थेरेपी ले सकते हैं। 6 मंथ में आपको 2 बार तो थेरेपी लेना कंपलसरी है, 2 बार आपको थेरेपी लेना पड़ेगा। फर्स्ट थेरेपी होगी, फिर आपको मेडिसिन दी जाएगी 2 मंथ की, उसके बाद आपको सेकेंड विजिट बुलाया जाएगा 2 महीने बाद, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे मेडिसिन। 6 मंथ तक आपको मेडिसिन ही खानी है, फिर उसके बाद आपको एमआरआई के लिए बोलेंगे या एक्सरे के लिए, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे कि पहले क्या दिक्कत थी आपको और अभी कितना रिलीफ है। क्योंकि जब तक तो हम एवियन की जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक हम उसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही शेयर करते रहना, ताकि जो एवियन के पेशेंट हैं, आपके जरिए उनको वीडियो पहुंचे और वो ऑपरेशन ना कराए, ऑपरेशन से बच सके। थैंक यू।